बीफ का इस्तेमाल ना करें, मटन का इस्तेमाल ना करें, चिकन का इस्तेमाल ना करें, इवन के फिश का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन सब चीजों में मौजूद है प्यूरीन्स जो कि यूरिक एसिड स्टोन्स को बढ़ाती है। अस्सलाम वालेकुम, हेयर आई एम डाइटिशियन इकरा अकरम। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स हैं क्या, ये बनते कैसे हैं, कितने टाइप्स के किडनी स्टोन्स हैं। यूरिन में बहुत ज्यादा केमिकल्स आते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, सिस्टेन है। इनका लेवल एक खास हद से जब बढ़ जाता है तो ये आपस में क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, आपस में मिल बैठते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनते हैं और फिर स्टोन्स बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। जो प्राइम टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स, ऑक्सीलेट स्टोन्स, कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीलेट स्टोन्स के बारे में। ऑक्सीलेट स्टोन्स वाले पेशेंट कोशिश करें अपनी रोजाना की खुराक में भिंडी का इस्तेमाल, स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, कॉफी का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सब चीजें ऑक्सीलेट स्टोन्स को बढ़ाने में रोल प्ले करती हैं। ऑक्सीलेट स्टोन्स वाले पेशेंट अपनी रोजाना की खुराक में कैल्शियम से भरपूर चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ बाइंड करके बॉडी से ऑक्सीलेट को बाहर निकालता है और स्टोन्स के रिस्क को भी रोकता है। और अगर स्टोन्स बन गए हैं तो उनको तोड़कर बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम बात करें कैल्शियम के रिच सोर्सेज के बारे में। कैल्शियम के रिच सोर्सेज में आ जाते हैं दूध, दही, पनीर। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसको स्मूदी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको शेक की फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको प्यूरी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इट टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह लेना पसंद है। तो आपको ऑक्सीलेट स्टोन्स हैं तो कैल्शियम का इस्तेमाल जरूर करें। कुछ लोगों को कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में कैल्शियम से भरपूर चीजों का इस्तेमाल ना करें, ऑक्सीलेट से भरपूर चीजों का इस्तेमाल ना करें, तभी आप इन दोनों चीजों से छुटकारा हासिल करेंगे। अब सेकंड टाइप यूरिक एसिड स्टोन्स है। यूरिक एसिड स्टोन्स वाले पेशेंट अपनी रोजाना की खुराक में गोश्त या गोश्त से बनी चीजों का इस्तेमाल ना करें। इसमें आ जाता है बीफ का इस्तेमाल ना करें, मटन का इस्तेमाल ना करें, चिकन का इस्तेमाल ना करें, इवन के फिश का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन सब चीजों में मौजूद है प्यूरीन्स जो कि यूरिक एसिड स्टोन्स को बढ़ाती है। यूरिक एसिड स्टोन्स वाले पेशेंट एनिमल प्रोटीन में सिर्फ अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा एक ऐसा सोर्स है जिसमें प्रोटीन मौजूद है बट प्यूरीन्स मौजूद नहीं है, जो कि यूरिक एसिड स्टोन्स को नहीं भरने देती। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन बेसिकली उन लोगों में होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट मार्केट से ले रहे हैं तो कोशिश करें एक बार देख लें उसमें कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट मौजूद है। अगर उसके पीछे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोन्स के रिस्क को प्रमोट करेगा, और कैल्शियम सिट्रेट जो है वो हमारे पास स्टोन्स के रिस्क को रोकता है, यानी बॉडी के अंदर स्टोन्स नहीं बनाता। कोशिश करें आप जब मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो एक बार जरूर देख लिया करें कि कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम से किडनी में स्टोन्स ना बन सके। अब मैंने आपको तीनों स्टोन्स के बारे में बता दिया है कि किस स्टोन्स में क्या चीज खानी है और क्या चीज अवॉइड करनी है। लोगों को किडनी स्टोन्स का मसला है, कोशिश करें वो इन चीजों को अवॉइड करें जिनका जिक्र मैंने अभी किया है। इसके अलावा आप अपने फिजिशियन से, अपने कंसल्टेंट से और अपने डाइटिशियन से ज़रूर रब्ता करें ताकि वो आपको आपके मुताबिक एक बेहतर सोल्यूशन दे सकें। इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।